हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आप लोग कैसे हैं? आई होप गाइस आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइस मैं भी इसी के साथ बहुत बढ़िया हूँ। तो गाइस फाइनली वो एक्रेलिक पेंटिंग जो मैं श्री कृष्ण जी पे बना रहा था वो कंप्लीट हो चुकी है। और गाइस अभी बज रहे सुबह के 7:30, बिकॉज मैं अभी सो के उठा हूँ, बिकॉज मैं कल रात 3:30 बजे तक मैंने पेंटिंग कम्प्लीट की है। और 2 दिन के बाद दिवाली गाइस, उसका फुल ब्लॉग आप लोग को मिल जाएगा। और मैं गाइस जा रहा हूँ गाँव, मैं गाँव गाइस छुट्टी लेके जा रहा हूँ स्कूल से, मेरी पढ़ाई चल रही है। बट जैसा कि आप लोग जानते हैं छठ पूजा हमारे तरफ बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। आप लोगों को मैं फुल ब्लॉग वहाँ का दिखाऊंगा। तो गाइस 6 तारीख को मेरी ट्रेन की टिकट कटी है तो मैं जाऊँगा। तो आज एक्रेलिक पेंटिंग गाइस जो है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। और गाइस ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को मेरे शेयर कीजिएगा। और है 2 दिन के बाद दिवाली, तो हम लोग फुल इन्जॉय करने वाले हैं, तो आपको पूरा सीन दिखाएंगे। और गाइस मैं रंगोली भी बनाऊंगा घर पर इस बार। तो गाइस वीडियो को सारी देखिएगा और चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। और गाइस मैं एक इंटरेस्टिंग बहुत ही वीडियो तैयार कर चुका हूँ, तो आप लोग पूरी जरूर देखिएगा। और वो अभी अपलोड नहीं किया मैंने, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद वो इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप लोग आई होप आप लोग वेट करेंगे। तो गाइस और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कहूँगा वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। ओके गाइस, तो गाइस फाइनली इसी के साथ मेरी पेंटिंग ये मैं शुरू कर चुका हूँ। तो देख सकते हैं आउटलाइन मैं इसमें कर रहा हूँ, उसके बाद हेयर ड्रॉ करूँगा, उसके बाद मुकुट, उसके बाद गाइस मैं बैकग्राउंड ब्लैक कलर करूँगा, जैसे कि आप लोग आखिरी वीडियो में देख ही लेंगे। तो गाइस आई होप आप लोग की वीडियो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आएगी। और गाइस प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये गाइस पार्ट 4 की वीडियो है, तो आई होप आप लोग को बहुत ज़्यादा इसमें मज़ा आएगा। और गाइस जैसा कि मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ, ये 32x28 इंच के पेपर पर बना है, काफ़ी बड़ा साइज़ है। तो आप लोग को अगर छोटा लग रहा हो तो मैं फ़ोटो लगाऊंगा इसके साथ, ये काफ़ी बड़ा है इसलिए मुझे 4 दिन लगे। और गाइस मैं स्कूल भी जाता था, तो कम से कम इसमें मुझे बनाने में कम से कम मान के चलिए 20 या 24 घंटे जरूर लगे हैं। पूरा एक दिन अगर लोग बनाने बैठते हैं तो 24 घंटे मान के चलिए पूरा लगा है गाइस में मुझे बनाने में। ये गाइस मेरे लिए बहुत ही समझ लीजिए बहुत ही हार्ड वर्क था, बिकॉज मैंने एक्रेलिक कलर को पहली बार यूज़ किया, मैंने उससे पहली बार ड्रॉ किया गाइस, और इतनी बड़ी पेंटिंग। तो आई होप आप लोग को गाइस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आएगी। गाइस 99% पीपल, मैं हर वीडियो में आप लोगों को कहता हूँ कि 99% वीडियो गाइज मेरे व्यूज जाते हैं। मैं देखता हूँ अभी मैंने चैनल बनाया, 1000 व्यूज जाते हैं मेरे गाइज, 1000 2000 जीते जाते हैं। तो गाइज उसमें से मेरे सारे बंदे जो हैं सारे लोग वो नहीं करते सब्सक्राइब। 99% गाइज ऐसे जो व्यूवर्स हैं जो देखते तो हैं मेरी वीडियो बट सब्सक्राइब मेरा चैनल नहीं है। तो गाइज आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। तो गाइज इसी के साथ पूरा वीडियो देख के जाइएगा। मैं इसीलिए गाइज मैंने वीडियो को पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 गाइस पार्ट 4 वीडियो तब जाके मेरा फाइनल कंप्लीट हो पाया, इसलिए मैंने पार्ट 1 2 3 करके बनाया, बिकॉज ताकि देखने में आप लोग को दिक्कत ना हो। और बिगनर जो हैं गाइस जिनको पूरी वीडियो देखनी अच्छे से, वो बिगनर्स हैं, उनके लिए मैंने ये फुल बनाया वीडियो, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो गाइस पूरी वीडियो दोनों को देखिए, सारी वीडियो को देखिएगा मेरी जितनी भी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और गाइस जैसा कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि मुझे जाना है गाँव, तो गाइस और 2 दिन के बाद है दिवाली, तो गाइस उसकी फुल ब्लॉग की वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। और मुझे मैंने घर में बनाई है रंगोली, तो उसकी भी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। और एक इंटरेस्टिंग वीडियो बहुत ज़्यादा मैंने तैयार कर चुका है, तो वो अपलोड करना है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी तो देखेंगे आप लोग। तो गाइस इसी के साथ ओके, अब मैं गाइस ट्यूनिंग लगा देता हूँ, बिकॉज मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग कहेंगे मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। ओके गाइस थैंक्स, पूरा वीडियो देख के जाइएगा।
गाइज, तो मुझे उम्मीद है आप लोग को वीडियो बहुत ज्यादा ही पसंद आई होगी। तो गाइज मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया, जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा, देख रहे होंगे। तो गाइज वीडियो को आखिरी तक आप लोगों ने देखा होगा आई होप, और गाइज आई होप मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग मेरी वीडियो को शेयर करें होंगे। तो गाइज कैसी लगी वीडियो जरूर कमेंट में पूरी बताइएगा, कमेंट में बताइएगा कैसी लगी। और गाइज मैं हर बार आप लोग से हर वीडियो में कहता हूँ कि आप लोग मुझे बताइए कि अगली वीडियो में किस पे बनाऊँ। तो गाइज प्लीज इस बार मैं वेट करूंगा कमेंट में कौन बताता है कि अगली वीडियो में किस पे बनाऊँ। तो गाइज ये वीडियो आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, तो ऐसे ही मैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो बनाऊंगा। और गाइज जो इस पर मतलब आप लोगों को परेशानी हुई हो तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और जैसे आप लोगों को लग रहा है कि मैं कुछ गलती कर रहा हूँ तो आप लोग मुझे वो बताइए, क्योंकि आप ही लोग मेरे टीचर्स हैं समझ लीजिए। तो ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स।